हिमाचल प्रदेश के बीड बिलिंग में बेल्जियम के एक पैराग्लाइडर की एक अन्य पैराग्लाइडर से हवा में टकराने के बाद पैराशूट नहीं खुलने से मौत हो गई है। कांगड़ा जिले के बीड बिलिंग में 2 नवंबर को शुरू होने वाले पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 के 4 दिन पहले ही मंगलवार को ये दुर्घटना घटी है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पैराग्लाइडर हवा में टकरा गए, जिससे बेल्जियम निवासी फेयररेट्स की मौत हो गई, जबकि पोलैंड के दूसरे पैराग्लाइडर को गंभीर चोटें आई हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरने वाले फेयररेट्स करीब 60 साल के थे और फ्री फ्लाइंग के पैराग्लाइडर भी। कांगड़ा के पर्यटन उपनिदेशक विनय धीमान का कहना है कि 10 पैराग्लाइडर एक साथ उड़ान भर रहे थे और उनमें से 2 हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए। उन्होंने बताया कि फेयररेट्स की मौत इसलिए हुई क्योंकि दुर्घटना के बाद उनका पैराशूट नहीं खुला। विनय धीमान का कहना है कि दुर्घटनाओं की आशंका तब बढ़ जाती है जब उड़ान भरने वाले लोग स्थलाकृति और स्थानीय वायु स्थितियों के बारे में कम जानकारी के साथ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों या आंतरिक घाटियों में प्रवेश कर जाते हैं। विनय धीमान का कहना है कि हम उड़ान के दौरान दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करने के लिए विशेषज्ञों की मदद से बीड बिलिंग क्षेत्रों में तापमान का दस्तावेजीकरण करने की प्रक्रिया में है। ये पहली बार नहीं है जब बीड बिलिंग घाटी में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पिछले साल अक्टूबर में पोलैंड के पैराग्लाइडर एंड्रेस की बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत हुई थी। कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री का भी कहना है कि पुलिस ने अधिकारियों को पैराग्लाइडरों को पंजीकृत करने, निर्दिष्ट मार्गों का पालन करने और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वो सैन्य क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान न भरें। वहीं मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और समृद्ध खेल संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी का कहना है कि दुर्घटनाओं के मद्देनजर दुर्घटना स्थलों को चिन्हित करने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर विशेष टावर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यहां 2-9 नवंबर को होने वाले विश्व कप में 50 देशों के 130 पैराग्लाइडर हिस्सा लेने वाले हैं।